भगवान से प्रार्थना करने वाले और देवता ईश्वर और शक्ति के रूप में वृक्षों को पूजने वाले, पेड़ों को पूजने वाले, पौधों को पूजने वाले हम ही हैं, हम ही हैं। और सिर्फ हमने नहीं, पेड़ और पेड़ पौधों को ही नहीं, हम तो पहाड़ों को भी पूजते हैं। पहाड़ों को, गोवर्धन को हम पूजते हैं, कामदगिरी को हम पूजते हैं। और सिर्फ हमने ही नहीं पूजा, जिसका हम नाम स्मरण करते हैं, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाला है मेरा राम, मेरे राम ने कामदगिरी से प्रार्थना। और द्वापर में वही श्याम बनता है, कृष्ण बनता है, गोविंद बनता है, और बाल लीला करते करते गोवर्धन का मान बढ़ाता है। पहाड़ों का मान किया है मेरे राम ने, मेरे श्याम ने पहाड़ों का मान करता है, और पहाड़ों को, पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को, व्यवस्था को बताता है। पेड़ पहाड़ को मान देता है और वृक्षों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। वही तो मेरा राम है, वही तो मेरा श्याम है। देवता और ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में साक्षात पेड़ पहाड़ों को हम पूजते हैं। जिस भगवती का हम ध्यान कर रहे हैं, आराधना में बैठे हैं, थोड़ा विचार करूं कहां से प्रकट हुई है और किसने धारण किया। अमरकंटक मैं कल पर्वत विंध्याचल संपुला की पर्वत मालाओं ने इस भगवती आदिशक्ति को धारण किया है, जो इस जीव जगत का आधार है। पहाड़, पर्वत, अमरकंटक मैकल ने धारण किया, सो मैकल सीता हो गई। अमरकंटक वाले बोलते हैं अमरकंटक वाले, मतलब अमरकंटक क्या है भाई? पर्वत साक्षात शिव का स्वरूप, वो पेड़, वो पहाड़, वो शिव स्वरूप। और शिव ही तो शक्ति को धारण करते हैं। हमने तो सुना है शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ, पसीने की बूंद बूंद करके निकलते, वो नर्मदा शिव की देह से। वो जैसे शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया उस जीवन शक्ति को, वैसे ही इन पेड़ पहाड़ों ने इस भगवती को धारण कर लिया। और जैसे देह से पसीने की बूंद बूंद निकलती है, वैसे उन पहाड़ों से, पेड़ों से, वो जड़ों से बूंद बूंद करके वो अमृत निकलता है। ये तो भाव झिर है, झिर, झिरिया, झिरिया। अभी नरसिंहपुर से हम बोलते आ रहे हैं, देखो झरना वाला बैठा है, झिरिया वाला बैठा है, ठीक है? झिरिया, झरना, शक्तियां यहां भ्रमण करती थी, सिद्धा और सिद्धियां झरना और झिरिया में ऐसे ही मिल जाती, सिद्धा और सिद्धियां ऐसे ही मिल जाती। ये गांव साधारण नहीं है कि गांव के उसमें लिखा झेर, झरना, झिरिया, बहुत असाधारण है कि नहीं? साधारण नहीं। दुनिया के ये नदियां होंगी, अरे नदियां नहीं है, साक्षात शक्तियां है, नदियां नहीं, शक्तियां है। तो हम बोल रहे, हम उसी का नाम स्मरण करते, राम के नाम, पिता के वचनों का पालन करते हैं। वन में रहते, कहां रहते? वन में रहे, वन में रहकर बने हैं राम, महलों में रहते नहीं, महलों में रहके नहीं बने राम, वन में रहकर बना है राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया है राम, महलों में रहके मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वन में रहके। हम थोड़ा खड़ा बोलते हैं, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम, मेरे राम। गंगा और सरयू को मान देता है मेरा नाम, इसी रेवा के पथ पर आया है मेरा नाम, 24 वर्षों तक साधना की है मेरे राम ने और इसी नर्मदा के पथ पर आया है मेरा राम। कितना असाधारण है ये पथ, गंगा नर्मदा को मान देता है मेरा राम।
कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं मेरे राम। सरयू के तट पे केवट को बांध देते हैं मेरे राम। माता सबरी के भीड़नी के जूठे बेरों को खाकर बता दिया, जाति पाति का भेद मिटा दिया और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बता दिया, वो है राम, वो है राम। झूठे बेरों को खाकर जाति पाति का भेद मिटाता है और प्रेम और सेवा का केवल रिश्ता बताता है। देखो हम तुम्हारी जात को देखकर नहीं बैठे, तुम्हारे कुल को देखकर नहीं आए, कुल में आए तो कुल का गौरव हो गया, किसी जाति को कुल को देखकर नहीं, वो प्रेम और सेवा को देखकर गुरु गोविंद आता है। प्रेम और सेवा को देखकर वो सबरी के द्वार पर चले गए, निष्काम प्रेम निष्काम सेवा। और फिर गुरु आज्ञा में जो बैठा है तो उसको गोविंद को तलाशने की जरूरत नहीं, जो गुरु आज्ञा में बैठा है उसके घर द्वार में गोविंद ऐसे ही आ जाएंगे। जो गुरु आज्ञा में बैठा है, जो गुरु की सेवा कर रहा है उसके द्वार पर परमात्मा ईश्वर बिन बुलाए ही आ जाएगा।